वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आयरन देवी द्वारा आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी दर्शन कराया जाए। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए, आप पीछे देख सकते हैं आयरन देवी द्वार, तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। जैसा कि आप द्वार देख सकते हैं, यहीं से ये एंट्री द्वार है, तो चलिए अंदर चलते हैं। आपको आइएगा तो आपको दोनों तरफ दुकान दिख जाएगा प्रसाद लेने के लिए। अच्छा, कितने रुपया से प्रसाद स्टार्ट होता है आपके पास? 10-20-50 से। अच्छा, क्या रहा उसमें रहेगा? नारियल रुमाल प्रसाद। जैसा कि भैया बताए कि इनके पास 10 से लेकर 50, 100 जितना चाहे उतना तक का प्रसाद ले सकते हैं। और भैया चुनरी का ये अलग अलग दाम है ना सबका? अच्छा, सब चुनरी का अलग अलग दाम है। तो चलिए और जानते हैं और दुकान से आइए। और दुकान है तो आइए पूछते हैं इनसे भी, भैया से। भैया आपके पास कितने से प्रसाद स्टार्ट होता है? 50 से लेकर 90 तक। अच्छा, सबसे कम? सबसे कम 50। सबसे कम 50। 50 रुपए में क्या क्या देते हैं? नारियल, चुनरी, रुमाल, प्रसाद, अगरबत्ती, सिंदूर, धागा। आपके पास कितने से प्रसाद स्टार्ट होता है? इसका कोई अनगिनत नहीं होता। अच्छा, कम से कहने का मतलब है सबसे 10 रुपए का प्रसाद मिलता है। अच्छा, 10 रुपए से स्टार्ट होता है? 10 रुपए का स्टार्ट होता है, 11 रुपए का प्रसाद होता है। अच्छा, बाद में 10 रुपए रहता है। हाँ। और 10 रुपए से समझ लीजिए आप जितना का मांगे। हाँ। माता नारायण के दरबार में जो जाएगा वो समझ लीजिए जितना का हवा अपना करना है। हाँ। उसी से। हाँ। वो आपको उसके मुताबिक प्रसाद ले सकता है। अच्छा, ऊपर होता है। अच्छा अंकल, 10 रुपया में क्या क्या देंगे? 10 रुपये में आपका मुकुंदाना हो गया, अगरबत्ती हो गया, बर्फी हो गया, सिंदूर हो गया। अच्छा, 10 के बाद कितने का आता है? 10 के बाद फिर इसके बाद आ जाइए 51 रुपये का प्रसाद। अच्छा, 51 रुपये में क्या क्या है? एक नारियल, एक रुमाल है। एक नारियल, एक रुमाल और मुकुंदाना है, सिंदूर है, बर्फी है, पिंडी है, अगरबत्ती है। तो चलिए अंकल से हम लोग 50 वाला प्रसाद लेते हैं। तो चलिए अंकल, 50 वाला प्रसाद हम लोग को निकाल लीजिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अंकल से बोलेंगे 50 वाला प्रसाद हमको निकाल दीजिए, तो अंकल 50 वाला प्रसाद निकाल रहे हैं हम लोगों के लिए। और हम लोग यहाँ से प्रसाद लेकर निकलेंगे मंदिर के लिए। अच्छा अंकल, इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को बोला जाता है आयरन देवी। अच्छा, हाँ, यहाँ का दरबार में। अच्छा, माँ आयरन देवी स्थान है यहाँ पे, आरा का मशहूर है ये। आरा का, हाँ, ये आरा का मशहूर मंदिर है माँ आयरन देवी का। अच्छा अंकल, कितना मीटर अंदर होगा मंदिर? तो चलिए हम लोग प्रसाद अंकल निकाल दिए हम लोग के लिए, तो चलिए अंदर चलते हैं प्रसाद लेकर। जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम लोग प्रसाद ले लिए हैं, तो हम लोग अब मंदिर के लिए निकल रहे हैं। ब्लॉग के साथ आप लोग बने रहिए। आप द्वार से देख सकते हैं, यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे, तो चलिए अंदर चलते हैं। से बन रहा है, इसमें कार्य चल रहा है। आपको आइएगा तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे नल मिल जाएगा, यहाँ से हाथ 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 मुंह आप लोग हाथ पैर धो सकते हैं। मंदिर में अभी काम चल रहा है, देख सकते हैं तोड़ दिया गया है हमें मंदिर।
मेरे पीछे बाबा हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि मंदिर ये कब तक बन जाएगा और मंदिर, इस मंदिर का इतिहास क्या है। तो चलिए उनसे, बाबा से पूछते हैं। बाबा, ये मंदिर कब तक बन जाएगा? मंदिर अभी बनने में 2 साल समय है। 2 साल? हाँ। थोड़ा इस मंदिर के बारे में थोड़ा इतिहास बता। इसका ये मंदिर का इतिहास है कि बाबा जी हम लोगों को मंदिर का इतिहास बताएंगे, तो आइए इनसे जानते हैं। लंबी वाली मंदिर ऐसी है, मूर्ति वो आरण देवी कहलाती है, जो पांचों पांडवों के द्वारा स्थापित की गई है। उसके पहले छोटी वाली जो मंदिर है, ऐसी माता है, वो आदि शक्ति माता शंभु माने जाती है, स्वयं शंभु। ये जहाँ राजा मूर्धज को परीक्षा लिया गया था, उनके बेटे को आरा से चीरा गया था, कृष्ण भगवान उनके बेटे को मांस खाने के लिए अपने बाप को कहे थे, इसीलिए उनको बेटा को आरा से चीरा गया, इसलिए इसी का नाम, इसी के लिए ये आरा पड़ा। ये आरण्य वन था, यहाँ पांचों पांडव रुके थे अज्ञातवास के समय। वही छोटी वाली माता ने स्वप्न देखे कि हमारे बहन को स्थापना कराइएगा तो आपका कार्य पूर्ण होगा, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा माता आदि शक्ति आरण देवी के द्वारा स्थापना की गई, इसलिए जाकर के हस्तिनापुर में उनका विजय हुआ। जैसे बाबा जी बताएं मंदिर का इतिहास, आप लोग आइए दर्शन करिए माँ का। और कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि कहाँ से आए हुए हैं दर्शन के लिए। अच्छा बाबा, यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन के लिए? बहुत देश विदेश से लोग आते हैं, सबकी मनोकामना माँ पूर्ण करती हैं, इसीलिए भक्त लोग यहाँ बहुत आते हैं। जैसा कि बाबा बताए कि यहाँ पे देश विदेश चारों तरफ से लोग, हर कोने से लोग आते हैं, काम के लिए आते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा से आते हैं, माँ को अथी करते हैं, उनका मनोकामना माँ पूरी करती है। अच्छा, आइए और सब जानते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं भैया माँ के दर्शन करने के लिए? हम यहीं के हैं, यहीं आरा का है। अच्छा, अब देख सकते हैं कि और कुछ लोगों से जानते हैं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं काफी लोग आए हुए हैं दर्शन के लिए। दर्शन कर लिए, अब घर हम लोग जा रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक करिए और चैनल का सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।